लोहरदगा से बड़ी खबर, जो आज जिले में चल रही लगातार सर्च अभियान के दौरान पुलिस को आज 10वें दिन नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी एक साथ मिली है। कई नक्सली पकड़े जाने की सूचना है, जिनमें 10 लाख का इनामी नक्सली बलराम उराव, दशरथ खेरवार, शैलेश्वर उराव, मार्कुस व महिला नक्सली के पकड़े जाने की सूचना है। साथ ही नक्सलियों के कई हथियार के साथ अन्य सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। महिला नक्सली में रविंद्र गंजू की पत्नी है, खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आपको बताए, बुलबुल जंगल में लगातार 10 दिनों से सर्च ऑपरेशन जारी है और आज कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जंगल के 2 किलोमीटर एरिया में नक्सलियों का घेराव किया गया है और इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लोहरदगा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लगातार सर्च ऑपरेशन के दौरान 10वें दिन नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ कई नक्सली पकड़े जाने की सूचना है, जिनमें 10 लाख का इनामी नक्सली बलराम उराव, दशरथ खेरवार, शैलेश्वर उराव, मार्कुस व महिला नक्सली की पकड़े जाने की सूचना। साथ ही नक्सलियों के कई हथियार के साथ अन्य सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। महिला नक्सली में रविंद्र गंजू की पत्नी है और इस खबर की फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। लोहरदगा से खबर, जिले में चल रही लगातार सर्च अभियान के दौरान पुलिस को आज 10वें दिन नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। एक साथ कई नक्सली पकड़े जाने की सूचना है, जिनमें 10 लाख का इनामी नक्सली बलराम उराव, दशरथ खेरवार, शैलेश्वर उराव, मार्कुस व महिला नक्सली की पकड़े जाने की सूचना मिल रही है। साथ ही नक्सलियों के कई हथियार के साथ अन्य सामग्री भी पुलिस ने बरामद की है। महिला नक्सली में रविंद्र गंजू की पत्नी है, खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। तो आपको बताएं कि लगातार 10 दिनों से बुलबुल जंगल में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और आज कई कामयाबी मिली है। कई नक्सलियों के पकड़े जाने की सूचना, हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हो मिल पा रही है। महिला नक्सली भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब्जालिया ने गिरफ्तार किया। लोहरदगा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, पूरी तरह से सफलता है। और कल रात जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो लोग अभी पूछताछ चल रही है, वो भी बड़ी सफलता। क्या निकट भविष्य में लोहरदगा क्षेत्र कम से कम नक्सल फ्री हो सकता? एक दस्ता जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था लोहरदगा, खुला और लातेहार को, उसको करीब करीब हम लोगों ने समाधान कर लिया उसका। और झारखंड के और सब मोर्चे पर, अन्य मोर्चों पर भी झारखंड जगुआर, हर जगह जहां भी नक्सलवाद की समस्या है, ये नक्सलवाद के विरुद्ध बना ही स्पेशल फोर्स है झारखंड जगुआर, बहुत अच्छा काम करता है। और बाहर के जो फोर्सेस हैं वो भी हमेशा अगर किसी लोकल फोर्स की मांग करते हैं तो जगुआर की मांग करते हैं। बल्कि एक SOP बना हुआ है कि जहाँ भी अगर समस्या विशेष है तो विशेष कार्यदल है, ये जाएगा और अपडेट करेगा। कोई नाम वाम तो अभी नहीं बता पाएंगे जो पकड़े गए? थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। तो लोहरदगा से अमित हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, पुलिस को अहम कामयाबी मिली है, 10 लाख के नामी नक्सली कमांडर के गिरफ्तार होने की सूचना है, फिलहाल अब तक क्या कुछ अपडेट? मैं बता दूं कि कटिस्ट न्यूज को सबसे आगे रखने को लेकर मैं जो है वो अभी हम सुदूरवर्ती क्षेत्र में आए हुए हैं और यहाँ पर जिस प्रकार की सूचनाएं मिल रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि भाकपा माओवादी का 10 लाख का इनामी बलराम उराव और 10 लाख का इनामी मुनेश्वर गंजू के अलावे कई शीर्ष कमांडर जो है भाकपा माओवादी के वो पकड़े गए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो उभर कर सामने आ रही है वो भाकपा माओवादी के रीजनल कमांडर 15 लाख के इनामी मुनेश्वर गंजू की पत्नी भी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। लगभग दर्जन भर नक्सली जो है और उनके परिजन जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ लगे हैं, जिसमें मुनेश्वर है, शैलेश्वर है, रंतु है और इसके अलावा कई शीर्ष कमांडर शामिल हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है, लेकिन जैसे सूचनाएं मिल रही है कि सुरक्षा बल लगातार इनसे पूछताछ कर रहे हैं और कहा यह भी जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में भाकपा माओवादी का रीजनल कमांडर और 10 लाख का इनामी जो है रविंद्र गंजू वह भी सरेंडर कर सकता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो है वो सुरक्षा बलों के हाथ लग चुकी है। ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और बहुत जल्द हमें यह सुनने को मिल सकता है कि लोहरदगा
के कोयल संख जोन का जो इलाका है जिसमें लोअर दग्गा कुंडा और लातेहार के अलावे पलामू का भी इलाका आता है वो नक्सल मुक्त हो सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है वो भाकपा माओवादी नक्सली संगठन एक ऐसा ग्रुप है, प्रतिबंधित नक्सली संगठन है जो इस पूरे इलाके में दहशत फैलाने का काम सबसे अधिक करता था, चाहे वो माइंस एरिया हो, विकास कार्य हो या किसी अन्य प्रकार के जो काम है उसमें बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ नहीं वसूलने का भी काम करता था। तो ऐसे में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलने की बात सामने आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारियों के लिए।